हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस फ्रंट एलिवेशन के बारे में। हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास ये 26 फीट बाई 38 फीट का हमारे पास एक कवर्ड एरिया है। तो हम आपसे आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस फ्रंट एलिवेशन के साथ में फ्रेंड्स हम आपको बताएँगे इसका मैप के बारे में और मैप के साथ में हम आपको बताएँगे इसका कॉलम लेआउट के बारे में। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स जो फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन है, इसका ये जो फ्रंट है ये हमारे पास 26 फीट का फ्रंट है। इसके अंदर ये जो गहराई है ये हमारे पास 38 फीट की हमारी गहराई है और ये हमारे पास ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है। तो मैं आपको पहले इसके मैप के बारे में बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जो कि आप देख रहे होंगे। हमारे पास ये ईस्ट फेसिंग हमारा ये प्लॉट है। ईस्ट साइड में ये मेन रोड है और इसके जो तीन अदर साइड हैं, तीनों अदर साइड में अपनी ही प्रॉपर्टी है। मीन्स की तीनों साइड से ये हमारा प्लॉट ओपन है। तो इसमें हमारी जो मेन एंट्री है, इसमें हमारा जो एंट्रेंस है वो हमारे पास इसमें रहेगा। सबसे पहले बरामदा जो कि हमारे पास ये 15 फीट बाई 7 फीट 5 इंच का हमारे पास ये बरामदा रहेगा। ये हमारा बरामदा कुछ इस टाइप से होगा जो कि आप देख सकते हैं। इसका ये जो फ्रंट है इसमें हमारा 15 फीट का है। ये अंदर जो गहराई है बरामदे की वो 7 फीट 5 इंच की है। तो ये हमारे पास जो मैप है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये 15 फीट बाई 7 फीट 5 इंच का हमारे पास ये बरामदा है। यहाँ से अपने घर का यहाँ एंट्रेंस होगा। इस डोर से हम अपने घर के अंदर आएँगे तो इस डोर से आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स हमें मिलेगा यहाँ पर ये ड्राइंग रूम, जिसे हम अपना हॉल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास ये 15 फीट बाई 11 फीट का हमारे पास ये हॉल होगा, जिसमें हमारा यहाँ पर ये एल शेप में एक सोफे का डिजाइन रहेगा। यहाँ पर हमारा ये टीवी यूनिट का डिजाइन रहेगा और इस ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ पर एक बड़े साइज का विंडो होगा। इसी विंडो से हमारा इस ड्राइंग रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो अपने गेस्ट वगैरह के लिए हम यहाँ पर बिठा सकते हैं या फिर हमें अपने पर्पज़ यूज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास ये कॉमन एरिया रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास स्टेयर लॉबी रहेगी जो कि 15 फीट बाई 8 फीट 2 इंच की हमारे पास ये स्टेयर लॉबी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये रूम का डिजाइन रहेगा जो कि 10 फीट बाई 8 फीट 2 इंच का हमारा ये रूम होगा। और ये जो हमारा रूम होगा हम अपना इस रूम के लिए एक स्टडी रूम पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये किचन का डिजाइन रहेगा जो कि हमारे पास 10 फीट बाई 7 फीट का हमारा किचन है, जिसमें हमारे यहाँ स्टोव का डिजाइन है। ये हमारे पास सिंक का डिजाइन है, यहाँ पर हमारा फ्रिज का डिजाइन है। तो ये हमारे पास जो किचन है, किचन हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, जो कि हमारे पास आगे कॉर्नर में हमारा एक किचन रहेगा जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ये जो हमारा किचन होगा, किचन के फ्रंट में हमारा यहाँ पर विंडो रहेगा। तो इसी विंडो से हमारा किचन, इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये डाइनिंग एरिया रहेगा जो कि हमारे पास ये 10 फीट बाई 9 फीट 9 इंच का हमारे पास ये डाइनिंग एरिया है। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा डाइनिंग एरिया है इसमें हमारा 6 सीट डाइनिंग टेबल रहेगा, जिस पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना खा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस पर हम यहाँ से अप करेंगे जो अप टू एफ लिखा हुआ है। यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड बेडरूम रहेगा जो कि हमारे पास ये 10 फीट बाई 10 फीट हमारे पास ये सेकंड बेडरूम है, जिसमें हमारे यहाँ बेड का डिजाइन है। ये हमारे पास कवर्ड का डिजाइन है, यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट का डिजाइन है। तो ये जो हमारा बेडरूम है इसमें हमारी 2 विंडो रहेंगी। एक विंडो रहेगी हमारे इस बेडरूम के बैक साइड में और एक विंडो रहेगी हमारा इस बेडरूम के लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों विंडो से हमारा इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास टॉयलेट का डिजाइन रहेगा जो कि 4 फीट 6 बाई 6 फीट का हमारा टॉयलेट है। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा टॉयलेट है इसमें हमारा वार्डिंग एरिया है और इसी में हमारा टॉयलेट सीट रहेगा। और ये जो हमारा टॉयलेट होगा ये हमारे पास कॉमन रहेगा, इसे फैमिली का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड बेडरूम का डिजाइन है जो कि हमारे पास 10 फीट बाई 10 फीट का हमारा थर्ड बेडरूम है, जिसमें हमारे यहाँ बेड का डिजाइन रहेगा। ये हमारे पास रहेगा टीवी यूनिट, यहाँ पर रहेगा हमारा कवर्ड का डिजाइन। तो ये हमारे पास जो बेडरूम है इसमें भी हमारी 2 विंडो रहेंगी। एक विंडो हमारा इस बेडरूम के बैक साइड में होगी और एक विंडो हमारा इस बेडरूम के राइट साइड में होगी। तो इन दोनों विंडो से हमारा इस रूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जो कि आप देख रहे होंगे। हमारे पास इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास रहेंगे इसमें 3 रूम। एक हमारे पास ड्राइंग हॉल, एक हमारे पास किचन रहेगा, यहाँ पर हमारा डाइनिंग रूम रहेगा, ये हमारे पास स्टेयर लॉबी रहेगी और फ्रंट में हमारा बरामदे का डिजाइन रहेगा। और ये जो फ्रेंड्स हमारा बरामदा होगा इसमें यदि हमने अपना बाइक वगैरह पार्क कराना चाहें तो वो भी हम यहाँ करा सकते हैं। तो ये हमारे पास मैप का डिजाइन है। अब हम चलते हैं इसके कॉलम लेआउट की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास कॉलम का मैप है, जिसमें आप देख रहे होंगे इसमें हमने जो कॉलम का डिजाइन किया हुआ है इसमें हमारे पास इसमें 2 टाइप के कॉलम होंगे। एक हमारे पास रहेगा पिंक कलर का कॉलम जो कि 9 बाई 12 इंच का है, एक हमारे पास रहेगा ब्लू कलर का कॉलम जो कि 9 बाई 9 इंच का है। तो ये हमारे पास जो ब्लू कलर का जो कॉलम है ये हमने इसमें 10 कॉलम इसके अंदर हमने डिजाइन किए हुए हैं जो कि हमारे पास 9 बाई 9 इंच के हैं। पिंक कलर के जो कॉलम हमने इसमें डिजाइन किए हुए हैं ये हमारे पास है 9 बाई 12 इंच के। तो पिंक कलर के जो कॉलम है इसमें हमारी जो वार्ड्स पड़ेंगी वो हमारी 6 वार्ड्स होंगी। और जो हमारे पास ब्लू कलर का जो कॉलम है इसमें हमारी जो वार्ड्स होंगी वो हमारे पास इसमें 4 वार्ड्स होंगी। तो ये हमारे पास कॉलम का मैप है, ये हमारे पास मैप का डिजाइन है जो कि हमारे पास लेआउट मैप है। तो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन है जो कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन है। इसमें हमारी जो फिनिशिंग है वो हमारी कंप्लीट इसमें पेंट का फिनिश हमने किया हुआ है। तो ये आप जो देख रहे हैं सभी जितने भी टेक्सचर इसमें हमने यूज किए हुए हैं पेंट के, वो सभी हमने इसमें पेंट का फिनिश किया हुआ है। यहाँ पर हमारी ये कॉर्नर में हमारी एमएस की जाली रहेगी, यहाँ पर भी हमारा एमएस की जाली रहेगी। बाकी जो डिज़ाइन है आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, एकदम मॉडर्न हमारा ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्राई वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।